हेलो, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें कि मैं इलेवन क्लास का पहला यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर का नाम है क्लास इलेवन में क्लास इलेवन का, जिसमें कि पहला चैप्टर है भौतिक जगत। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड जो है रियल में ये फिजिक्स का यूनिट वन का जो चैप्टर है, ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराता है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, यानी कि जब हम लोग फिजिक्स की इलेवन का जो फिजिक्स पढ़ते हैं, तब सबसे ऐसे इसमें एक यूनिट में चार चैप्टर है। पहला चैप्टर है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, फिर है मात्रक एवं मापन, जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और तीसरा है बीमा और बीमीय विश्लेषण, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, और चौथा है सार्थक अंग एवं त्रुटियां, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इरर्स। तो इसमें पहला चैप्टर है भौतिक जगत, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? ठीक है, रियल में विज्ञान को, विज्ञान जो है स्टडी जैसे कि एक तरीका है। विज्ञान क्या है? एक तरीका है साइंस को, जैसे साइंस मतलब विज्ञान होता है, तो विज्ञान का एक तरीका है जिसमें कि हम लोग मानो तो पढ़ने का ये तरीका है, यानी मेथड्स ऑफ स्टडी। विज्ञान एक पढ़ने का तरीका है जिसमें कि हम लोगों को जानकारी होती है। रियल में विज्ञान का सही अर्थ विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान में तो इसका आंसर जो होता है, आंसर लिखेंगे हम लोग, प्रयोग सबसे पहले चलेगा, प्रेक्षण, प्रयोग एवं सत्यापन के माध्यम से, सत्यापन के माध्यम से व्यवस्थित क्रमबद्ध एवं परिष्कृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब हो गया प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब हो गया जैसे ऑब्जर्वेशन। रियल में होता है कि देखना, देखना समझना, पहले किसी चीज को ध्यान से देखना, जैसे कि न्यूटन, न्यूटन जो थे, न्यूटन का जो लॉ निकला, जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन से ने तीन लॉ ऑफ मोशन दिया था, जिसमें कि उन्होंने ये नहीं कि डायरेक्ट वो नियम नहीं लिखे थे। सबसे पहले वो क्या किए, सबसे पहले वो जहाँ पे बैठे हुए थे तो उनके सामने एक सेब गिरा, तो सेब गिरा तो वो पहले ध्यान से देखे, देखने के बाद वो समझे, समझने के बाद वो फिर छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट करना अलग चीज़ हुआ, सबसे पहले देखे, तो देखने की क्रिया को ही हम यहाँ बता रहे हैं कि प्रेक्षण, प्रेक्षण किए। प्रेक्षण के बाद वो देखे क्या, क्या किए, प्रयोग, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। अब इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, हो सकता है उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा होगा, तो उन्होंने फिर से सेब को उठा के फिर गिराया होगा, तो फिर वो देखे कि सेब फिर नीचे गिर गया। तो ये क्या है, उनका एक प्रयोग हुआ। सबसे पहले वो देखे, देखने के बाद उन्होंने एक प्रयोग किया, तो प्रयोग करने के बाद प्रेक्षण, प्रयोग और फिर सत्यापन। सत्यापन मतलब हो गया प्रूफ। तो इस प्रूफ में क्या है कि वो अगर कोई भी वस्तु को अगर हम गिराएंगे,
मान लीजिए ऊपर से गिराते हैं तो गुरुत्व बल के प्रभाव से वो नीचे ही गिरता है। तो यानी कि ये प्रूफ होता है कि जो उन्होंने देखा वो फिर जब वो गिरा के दोबारा देखे तब प्रयोग हुआ, और जब बार बार गिराने के बाद वो नीचे ही गिरता है तो वो प्रूफ हो गया। मैनुफैक्चर प्रयोग, जब वो अपने से गिरा तो प्रयोग, उसके बाद फिर लास्ट में सत्यापन हुआ। सत्यापन के बाद उनको कि ये पता चला, यानी जो भी नॉलेज उनको प्राप्त हुआ यानी ज्ञान, उसी ज्ञान के आधार पर ही वो क्या दिए, न्यूटन्स लॉ। अर्थात प्रेक्षण, प्रयोग और सत्यापन, इस सभी के माध्यम से उन्हें जो ज्ञान हुआ वही ज्ञान हम लोगों को आज होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स क्या है? तो भौतिकी में, भौतिकी का रियल में अर्थ होता है नेचर। यानी कि प्रकृति। तो रियल में क्या है कि फिजिक्स क्या है? तो प्रकृति, यानी कि अगर हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं या फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो रियल में हम किसका अध्ययन करते हैं, नेचर का। यानी हम इसके आंसर को शॉर्ट में बोल सकते हैं स्टडी ऑफ नेचर। तो यानी कि हम अगर नेचर का अध्ययन कर रहे हैं यानी प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं तो किसका अध्ययन कर रहे हैं, फिजिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साथ में प्रकृति के साथ साथ हम प्राकृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, फिजिक्स प्राकृतिक घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं यानी नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना प्राकृतिक घटना जैसे वर्षा होना, भूकंप आना या बिजली का चमकना, इन सभी घटनाओं, इन सभी का घटनाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये कहलाता है फिजिक्स। यानी फिर से हम एक बार बता रहे हैं, विज्ञान क्या है? विज्ञान हो गया विशेष ज्ञान। यानी रियल में क्या है, स्टडी, मेथड्स ऑफ स्टडी, यानी पढ़ने का एक रियल में तरीका है विज्ञान। तो विज्ञान, विज्ञान को हम विशेष ज्ञान भी बोल सकते हैं। तो आंसर होगा प्रेक्षण, प्रयोग और सत्यापन के माध्यम से व्यवस्थित, क्रमबद्ध और परिष्कृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित का मतलब ये हो गया कि किसी भी चीज़ को अगर हम जानकारी प्राप्त करना हो, जैसे कि किसी अगर मतलब एल के जी या फर्स्ट फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को हम सीधा ट्रांसलेशन नहीं बता सकते, या फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को हम हिंदी का जोड़ नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 1 से 100 तक उसको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद एलसीएम उसको निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के बाद तब उसको जाकर, तब जाकर के वो हिंदी का जोड़ बना सकता है। यानी कोई भी चीज़ की जानकारी जो होती है उसका एक तरीका होता है जिसमें व्यवस्थित, क्रमबद्ध और परिष्कृत, यानी व्यवस्थित मतलब एक एक करके जब हम किसी चीज़, किसी ज्ञान को जब हम इकट्ठा करते हैं तब जाकर के हम लोगों को जो लास्ट में जो अंतिम जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परिष्कृत ज्ञान होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान का आंसर क्या बताया अभी, प्रेक्षण, प्रयोग, प्रेक्षण, प्रयोग और सत्यापन के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। उसके बाद भौतिकी, भौतिकी क्या है? तो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं, जैसे वर्षा होना, भूकंप आना, बिजली चमकना। ठीक है,